ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में। कोरोना आपदा में मदद करने के लिए जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लगातार आ रहे हैं। इसी क्रम में विकास खंड जेथरा के 67 ग्राम प्रधानों ने अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया और खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार शुक्ल के आह्वान पर प्रधान खिरिया वनार ने 21,000, थरौली प्रधान मितेश यादव ने 11,000, खिरिया नगर सब प्रधान राजकुमारी ने 11,000, पहंगो प्रधान बबिता देवी, गंगापुरा प्रधान अनुज प्रताप सिंह चौहान, परौली सुहागपुर प्रधान राधे यादव, रूपधनी प्रधान धर्मेंद्र यादव ने 10,000 रुपए खंड विकास अधिकारी जेत्रा राकेश कुमार शुक्ल को प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम चेक प्रदान किए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार शुक्ल ने बताया कि विकास खंड की 67 ग्राम पंचायतों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक माह का वेतन दिया है, जिसके बाद ये धनराशि ग्राम प्रधानों द्वारा स्वेच्छा से दी जा रही है। अभी कुछ प्रधान और आ रहे हैं जो इस वैश्विक आपदा में मदद में अपना योगदान करेंगे। वहीं खंड विकास अधिकारी ने कहा कि हमारी सभी नागरिकों से अपील है कि सभी लोग इस लॉकडाउन का पालन करें, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घरों से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। इस बीमारी से महामारी से लड़ने के लिए प्रधानों को मैंने आह्वान किया, उसमें आज ये हरकेश प्रधान और 21,000 रुपया दिया गया, गांव उप प्रधान, बहमो प्रधान व अन्य प्रधानों ने भी अपना 10,000 रुपया व्यक्तिगत रूप से इस महामारी से लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। और भी कोई पैसा है? और भी इसके बाद भी कई प्रधान जो है अगले दिन देने के लिए तैयार है। और सर, आप इसके जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे ग्राम? इससे ये है कि हमारे अंदर एक सामूहिकता का ये भावना है कि हम इस महामारी से लड़ेंगे और राष्ट्र और प्रदेश के साथ मिलकर के, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे सभी प्रधान और हमारे सभी कर्मचारी इस महामारी से लड़ने के लिए तत्पर हैं।